आप फालतू की धर्म की इन बातों में न पड़े, खाली इस युद्ध में आपका फोकस रहना चाहिए कि हमें अपने संविधान को बचाना है, जो बाबा साहब ने उस समय की लड़ाई लड़ी कि जिस समय के अंदर लोगों को इतना अशुद्ध माना जाता कि उनको कुएं का पानी तक नहीं पिलाया जाता था। हम रोजगार मांगते हैं सरकार से तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है, हम शिक्षा मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है। इनका सबका गला काट दिया है ना, सरकारी नौकरी हमारे छोटी है जाकर के, आने वाले टाइम के अंदर में हम अपने हमारा गुजारा चलेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए हम यही सोच सकते कि वो सरकारी किसी नौकरी में उनकी भागीदारी होगी। भाई गांधी को ये जो 60 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के ठेके होते हैं, 60 करोड़ रुपए जो 60 लाख करोड़ के ठेके प्रतिवर्ष होते हैं, 60 लाख करोड़ के, ये देश की बहुत बड़ी राशि है। और इसमें जिस तरह से SC और ST का OBC का प्रतिनिधित्व है, आरक्षण कहीं से शुद्ध सब तो संवैधानिक सब तो प्रतिनिधित्व है, हिस्सेदारी है, उसमें कोटा निर्धारित किया जाए कि इन लोगों को जो मापदंड है उसके कि सॉल्वेंसी बनती है, इतनी संपत्ति चाहिए ठेकों में, ठेके लेने के लिए जो एक संपत्ति का बेस बनाते हैं कि इतनी संपत्ति होगी तब रजिस्ट्रेशन होगा और इतने तक का ठेका मिलेगा, इतना तक का टेंडर डाल सकते हैं, उसमें जो बहुसंख्यक समाज है उसको रिलैक्सेशन दिया जाए, उसमें थ्री बियर करता है टेक्निकल जानकारियाँ जिसके पास है, स्टाफ है, उसको गवर्नमेंट से और बैंक से दोनों से जो पैसे की कमी पड़ती है वो पूर्ति की जाए, तब तो न्याय माना जाएगा SC ST OBC के लोगों को जो बड़े ठेके नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पहले से ही पूंजीवादी व्यवस्था में इस ढांचे को बिगाड़ रखा है, क्योंकि बड़े जो ठेके होते हैं, बड़े ठेके उसी ग्राउंड पर मिलते हैं जिसका टर्नओवर ज़्यादा होता है, तो यहाँ टर्नओवर कम है लोगों को, जो SC ST OBC के लोगों के पास में पुराने बड़े बड़े बिल्डर, बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े कंपनी वाले कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं है, इस वजह से इनको बड़े टेंडर डालने का एक मापदंड है वो पूरा नहीं होता है, इनको इसमें विशेष छूट दी जाए और इसमें इनको पूरी हिस्सेदारी जो भी सब लोग तय करें कि इनको हर हालत में आबादी के आधार पर इनको हिस्सेदारी दी जाए, तो उसमें गवर्नमेंट और बैंकों का ये रोल रहेगा, क्योंकि वो पैसा कहीं ले नहीं जा रहे हैं, वो पैसा कोई अपने घर में नहीं ले जाएंगे, जो पैसा वहाँ लगाएंगे वो गवर्नमेंट गारंटी लेगी उसकी, जैसे और जगह गारंटी लेती है, बिना गारंटी के कुछ लोन मिलता है 5-5 करोड़ तक बता देते हैं, कहीं कहीं 50 लाख तो जो मुद्रा कोष में है उससे 50 लाख तक का है, इसी तरह से जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उसकी गारंटी गवर्नमेंट ले और तभी हम लोग इसमें हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ छोटे ठेके हैं, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसमें इन्हीं को पहले इन्हीं लोगों को दिया जाए, जो 90% बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, तो इसमें से वो धीरे धीरे अपना टर्नओवर बढ़ाते हुए उस स्थिति तक पहुँच जाएंगे, तब ये छोटे वाले टेंडर्स जो हैं वो किसी को दूसरे को जो फॉरवर्ड कहिए या जनरल समाज से आते हैं उनको ये न दिए जाए, तो तब तो ये मुकाबला देश में समता हो पाएगी, जिस तरह से अमेरिका में इस तरह का है पूरा रूल्स, ये अमेरिका में जो व्यवस्था की गई इस तरह की, उस तरह की व्यवस्था हमारे देश में होगी, निश्चित रूप से सभी खुशहाल होंगे और सभी लोगों को इस तरह का अवसर मिलेगा, और जब तक सभी को अवसर नहीं मिलेगा, विशेष प्रावधान के लिए नहीं किया जाएगा, विशेष सुविधाएँ नहीं दी जाएगी, तो गरीब और गरीब होगा, पैसे वाला और पैसे वाला होगा, इसलिए इस देश में ये व्यवस्था करने की जरूरत है। डायमंड परिवार के सभी पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित सभी साथी, वे सामने मीडिया कर्मी, सभी हार्दिक धन्यवाद। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो विचार है, भगवान ने खाली दो जातियाँ बना के भेजी है, एक औरत और एक आदमी, ये जो दो तरह की विचारधारा में चल रही है कि इतने सब आदमी मुस्लिम हिंदू बुजुर्ग ये सब किसने बनाए हैं, ये हम लोगों ने जातियाँ बनाई हैं और हम लोगों ने ये आरक्षण ये सब चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कहा जाती है जननी और जन्मभूमि सर्वोपयासी, कि मातृभूमि और जिस माता ने हमें जन्म दिया है ये सबसे महान होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने दोनों में से किसी का भी पालन ठीक तरीके से नहीं किया है।
क्योंकि ऐसा कोई भी उन्होंने काम नहीं किया कि जो देश के भले के अंदर हो जाकर के। इन्होंने पूंजीवादी जो पार्टियां हैं जितने भी लोग बैठे ऊपर ऊपर उन्होंने सभी को फायदा पहुंचाने के लिए नीचे जो हमारे वर्ग बैठे हैं इनका सबका गला काट दिया है। ना सरकारी नौकरी हमारे छोटी है जाकर के, आने वाले टाइम के अंदर में हम अपने हमारा गुजारा चलेगा लेकिन अपने बच्चों के लिए हम यही सोच सकते कि वो सरकारी किसी नौकरी में उनकी भागीदारी होगी। उदाहरण के तौर पे मैं रेलवे कर्मचारी का आपको डाटा देता हूँ कि सन 84 के और 86 के अंदर में रेल के अंदर 28 लाख कर्मचारी हुआ करते थे जबकि लाइने बढ़ गई है और दोनों साइड के इंजन आ गए हैं। आज रेल के अंदर में 12.5 लाख कर्मचारी वहां पे कार्यरत है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है कि जो जियो आपको फ्री दना दना आपको बोलता था कि आपको नेट मिलेगा सब कुछ मिलेगा वो आपको पैसे देकर के आपको करना चाहता है। टीवी आप अपना खरीदते हो रिचार्ज अपना कराते हो लेकिन दिखाया आपको मीडिया कर्मियों से वो चाहता है कि जो आप देखना नहीं चाहते हो। आप फालतू की धर्म की इन बातों में न पड़े, खाली इस समय आपका फोकस रहना चाहिए कि हमें अपने संविधान को बचाना है। जो बाबा साहब ने उस समय की लड़ाई लड़ी कि जिस समय के अंदर लोगों को इतना अशुद्ध माना जाता कि उनको कुएं का पानी तक नहीं पिलाया जाता था, उनने हमें उस वैचारिक जो मतभेदता हमारे आपस में हुई है उसको मिटाना है। अभी ये डायमंड परिवार है, ये सब एक समुचित परिवार है। इन्होंने ये लोग तो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इन्होंने इंडिया गठबंधन जो कि संविधान के अंदर में हमारा इंडिया लिखा हुआ है इसको शर्म नाम लेने में इनको शर्म आती है। इसको भी ये इंडिया गठबंधन बोलते जाकर के कहीं पे भी ये इंडिया गठबंधन पूरा नाम नहीं ले सकते। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी कहते हैं कि अपने देश का खाने लग रहा है कम से कम उसका नाम लेने उसको फकर महसूस होना चाहिए, वो लोग इनके पास नहीं है जाकर के। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आपके पास वोट की ताकत बची है कम से कम देश को बचाने में उसका सहयोग करें। क्योंकि जितने भी सेनानी यहाँ से जिन्होंने अपनी शहादत दी है चाहे आजाद गुरु हो भगत सिंह हो चाहे कुछ भी हो जाकर के, मोदी जी ने शौचालय बनवा दिए पूरे देश में ढिंडोरा पीट के रखा कि मैंने शौचालय बना दिए। अरे परमाणु की निर्माता कौन थे हमारे मौलाना आजाद थे जाकर के, उन्होंने क्या कभी भी बताया उन्होंने जाकर के? अब्दुल कलाम आजाद जी हमारे, उन्होंने कभी भी नहीं बताया कि मैंने परमाणु की संरचना की। सबसे बड़े हमारे साइंटिस्ट रहे, उन्होंने किसी के भी ये जाहिर नहीं किया, उनसे एक ही बात कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए काम किया। मोदी जी को अपना देश का नाम लेने में फकर महसूस नहीं होता है, वो दूसरी पूंजीपाती पार्टियों में लगे हुए हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है अपने देश को बचाइए संविधान को बचाइए और आने वाले टाइम में जो पार्टी आपके मुद्दे रखे हिंदू मुस्लिम ना करे उस पार्टी को बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया वो हमारे बहुसंख्यक समाज के लिए डायबंड परिवार की ओर से रखा गया है। मैं अपने देशवासियों को बहुसंख्यक समाज को जो 90% की जनसंख्या इस भारत के अंदर हमारा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ 2024 का जो इलेक्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ टाइम पहले भी आपने देखा होगा हमारे बहुसंख्यक समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है भारत के अंदर वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। आप देखो हम रोजगार मांगते हैं सरकार से तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है, हम शिक्षा मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाया जाता है, जब हम अपने हक की बात करते हैं तो वहां भी हमें लाठियां खाना पड़ता है। आखिर हम देश के अंदर क्या करें? हम अपने हक की भी अगर कोई चीज मांगे तो हम अपने हमारे ऊपर क्या लाठियां बरसाएंगे? अगर इन चीजों से छुटकारा पाना है देशवासियों बहुसंख्यक समाज के लोगों आने वाले इलेक्शन के अंदर लोकतंत्र को हमें बचाना है, हमें वहां वोटिंग करना है जो हमारे बहुसंख्यक समाज के साथ है, जो संविधान को बचाएगा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसके अंदर चाहे वो करोड़पति हो या खतपति सबको पावर एक समान ने दिया था, वो पावर था वोट का। इसका आप इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करके ऐसे सरकार चुनो जो हमारे हक की बात करे हमारा अधिकार की बात करे। हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो हम पढ़ लिख कर भी नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो हमें लाठियां खाना पड़ता है, और जो सरकार के अंदर बैठा है सरकार के साथ उसकी बातचीत है वो बिना पढ़ाई लिखाई का यूपीएससी का एग्जाम भी नहीं देता उसे डायरेक्ट कुर्सी पे बैठा दिया जाता है आईएएस की कुर्सी पे। ऐसे चीजों से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सारे के सारे आप लोगों को पता होगा देश के संविधान के जो अच्छे अच्छे पद है उन पे कौन लोग बैठे हुए है जो बिना परीक्षा दिए भी आईएएस बन जाता है। हम अगर पढ़ाई लिखाई करके भी नौकरी मांगते हैं तो हमें नौकरी नहीं मिल पाता। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से भी बहुसंख्यक समाज के लोगों, कुछ टाइम पहले आपने सुना था जो एक हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज का यात्रा करेगा, लेकिन मैं तो कब से जूता पहन के भी हूं, मैं भी नहीं कर पाया अभी तक हवाई जहाज का यात्रा, तो चप्पल में क्या करूंगा।
इसीलिए हमें जुमलेबाजी में नहीं आना है, हमें किसी के जुमलों में नहीं फंसना है, हमें जात पात बिल्कुल खत्म करना है, हमें भाईचारा में रहना है। अब भाईचारा जब ही रहेगा जब आप संविधान को बचा पाओगे। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे भाषण आ रहा है जो हमारे संविधान खतरे में है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ संविधान खतरे में नहीं है। कुछ लोग हमारे आप से डर रहे हैं जो अपने आप को बता रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान ने बाबा साहब ने वो बनाया था जो हर किसी को एक सामान्य, हर किसी को एक जैसा पालन करने का अधिकार, हर किसी को जीने का अधिकार, हर किसी को वोटिंग करने का अधिकार, हर किसी को पढ़ाई लिखाई का अधिकार बाबा साहब ने सबको बराबर दिया था। लेकिन आज आप देखो उस संविधान को भी तोड़ा जा रहा है हमारे समाज के ऊपर। कहीं पे देखो आप हमारे बहनों के साथ जो नेशनल गेम खेल के आए उनके साथ भी अत्याचार हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहीं पे झांसी के अंदर जितेंद्र यादव के साथ एनकाउंटर हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। रायबरेली कांड हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आखिर कब होगा हमारा देश और हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, आखिर कब होगा? होगा, लेकिन 2024 के अंदर जो चुनाव है वोटिंग करो सोच समझ के। लोकतंत्र बचाना है, देश को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो हमें सोच समझ के वोटिंग करना होगा जो लोकतंत्र को बचा सके और हमारे साथ दे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। सभी मेंबरों की तरफ से मीडिया के सभी भाइयों को हार्दिक धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज देश में माहौल चल रहा है और किन लोगों को ये सारी व्यवस्था ये सरकार दे रही है वो सोचने और समझने का विषय है। जिस तरीके से 49% जो अध्यक्ष जी ने हमारे बोला 49% आरक्षण जो सवर्णों को दिया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें आरक्षण जो है हमारे एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को मिले। और जिस तरीके से आज देश की हालत चुनाव को लेकर के है, आज ओबीसी और एससी एसटी के जितने भी मेंबर आज चुनाव लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं वो चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन उनको बोलने कहने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें कितने मंत्री बनाए गए इस सरकार में, लेकिन जब बोलने की बात आती है, जब अपने हुक और हकूक की लड़ाई की बात आती है, जब अपनी ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार और अन्याय होता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है, वो बोलने में नाकाम होते हैं और उनको पीछे से बोला जाता है तुम मंत्री तो बन जाओगे लेकिन तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ इस बार वोट, ये वोट का जो महापर्व है, कोई राजा अब राजा के पेट से बेटा, रानी के पेट से बच्चा जो पैदा होगा वो राजा नहीं होता है, आज मत की ताकत से राजा पैदा होता है। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो वोट का महापर्व चल रहा है इसमें बहुत सोच और समझ करके महागठबंधन को वोट दे और इस भूगी बहरी सरकार को खदेड़ने का काम करें। क्यों कि इस लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी क्या बोला, मैं आरक्षण का घोर विरोधी हूं और आरक्षण के तहत जो लोग आईएएस पीसीएस इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं वो कमजोर लोग होते हैं, वो इस देश की रीढ़ को कमजोर करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। मैं ऐसे ओबीसी प्रधानमंत्री की घोर निंदा करता हूं और ये कहता हूं कि आप सभी लोग महागठबंधन को वोट करें और इस सरकार को खदेड़ने का काम करें और एक नए नेतृत्व की सरकार बनाने का काम करें। धन्यवाद।